तो इस तरीके से यहाँ पे चलना पड़ता है, आपका मन के अनुसार आप नहीं चल सकते हो यहाँ पे। ओके तो हम पहुँच चुके हैं भाई, यहाँ पे क्या खड़ा है देखो यार भाई साहब, इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी। ये रेड रेड पता नहीं क्या है यार। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सभी का आज के न्यू व्लॉग में। सो गाइस, आप लोगों को पता होगा हम लोग आए हुए हैं बैंगलोर, हमारी ट्रिप की स्टार्टिंग यहीं से हो रही है बैंगलोर से ही, एंड इसके बाद हमारा भी और आगे आगे जाने का प्लान है, वो मैं आप लोगों को आगे व्लॉग में बताता हूँ। सो अभी तो हमारा 3-4 दिन यहीं बैंगलोर में रुकने का प्लान है। कल हम लोग इस्कॉन टेम्पल गए थे, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देखो कल वाला व्लॉग। तो अभी का सीन ये है, 10 बज गए और हमने अभी तक कुछ भी खाया पिया नहीं है, तो हमारे होटल के जस्ट नीचे ही एक बहुत ही प्यारी चाय की दुकान है, तो हमारा प्लान बन रहा है भी वहाँ चाय पीने का, वहाँ जाके ओनली 10 रुपये की चाय है, हम लोग कल पूछ के आए थे हमने पी नहीं, पर तो चलो नीचे चलते हैं और चाय पी के आते हैं। अभी उठे हैं सो के, तो चाय से दिन की शुरुआत करना अच्छा रहेगा। वैसे मैं पीता नहीं हूँ, कम पीता हूँ चाय, बट कोई नहीं पी लेते हैं। सो गाइस देखो, बैंगलोर में इस टाइप के समोसे होते हैं, इस टाइप के हैं, अपने वहाँ से तो बिल्कुल ही अलग है। पहले दूध डाल रहे हो? तो गाइस देखो यहाँ पे किस टाइप से चाय बनाई जा रही है, पहले दूध डाल रहे हैं गिलास के अंदर, इसको मतलब इतना उबाल रखा है कि इसके अंदर मलाई आ गई है पूरे में। सो गाइस देख लो, बैंगलोर में इस टाइप की है, 10 रुपये की चाय है ये। वाह यार, बिल्कुल ही मतलब जैसी पापा को पसंद है ना वैसी चाय है। पापा देख लो, आपकी पसंद वाली चाय ऐसे बनती है, अब मेरे को पता चल गया, मैं आपको आके पिलाता हूँ। आप लोगों ने इसकी मेकिंग तो देख ली होगी कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा मैं और आपको बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, दूध होता है ना उसको पूरा उबाल लेते हैं भयंकर वाला, जब तक उसके अंदर वो मलाई नहीं आ जाती गाढ़ी गाढ़ी वाली, फिर उस दूध को डालते हैं छान के कप के अंदर, फिर थोड़ा सा डालते हैं इतना सा दूध, फिर उसके अंदर ऊपर वो ब्लैक टी बना के रखते हैं और ब्लैक टी को ऊपर से इसके अंदर डाल देते हैं, बस बन गई चाय। तो इस टाइप से बनाई हुई है ये और टेस्ट काफ़ी अच्छा है यार, अदरक वदरक कुछ नहीं है इसके अंदर, एकदम रियल चाय है। ये चाय की शॉप है और इसके जस्ट बगल में हमारा होटल है, जस्ट बगल में बिल्कुल चिपका हुआ, और हमारे होटल के सामने का व्यू कुछ ऐसा है। सो गाइस, बैंगलोर के बारे में मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि यहाँ पे मतलब जो फॉरेन कल्चर है ना उसको कुछ ज़्यादा ही अडॉप्ट किया हुआ है, मतलब जो फॉरेन में चीज़ें होती है ना, मतलब लोग बाग स्ट्रीट पे पैदल ज़्यादा चलते हैं, जो डाइनिंग वगैरह है उसके लिए जो सिस्टम है वो सब मतलब फॉरेन कल्चर की तरह है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे साफ़ सफाई की तारीफ करनी पड़ेगी, काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई है। तो अभी चाय पी ली है, अब हम ग्रीन टी ट्राई करेंगे, कैसी ग्रीन टी है, यहाँ पे ग्रीन टी भी मिलती है, तो ग्रीन टी को हर्बल टी बोलते हैं। ये है हमारी हर्बल टी, एक कप और दे दो एक्स्ट्रा। सो ये इस टाइप की है हर्बल टी, देखो इसके अंदर ऊपर से पुदीना डाला हुआ है, और ये पता नहीं टेस्ट में कैसी होगी, अभी तो हमने टेस्ट नहीं किया है, तो टेस्ट करके बताते हैं आप लोगों को कैसी है। और ये वाली 20 रुपीज़ की है, तो हमने एक ही ली है ये, क्योंकि इसको पहले हम क्या पता अच्छी हुई नहीं हुई फिर ख़राब जाए क्या मतलब है, इसलिए हमने एक ही ले ली, एक को ही हम आधी आधी करके पियेंगे, हमने एक एक्स्ट्रा ग्लास ले लिया है। भैया हम राजस्थानी हैं। चीयर्स। ओ भाई साहब एकदम मिंट है ना, मस्त है ना, मस्त। और बाप रे, जन्नाटा सा हो गया गाइस शरीर में पूरे, मेरे तो गूज़बम्स आ गए। देखो मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट किया ऐसा, मतलब इसको पीते एकदम से ऐसी फ्रेशनेस ही आ गई पूरी बॉडी में। सो अभी हम लोग निकले ऐसे ही बैंगलोर का लोकल एरिया एक्सप्लोर करने के लिए, आसपास का पास में ही घूम के आते हैं और देखते हैं कैसा क्या है यहाँ पे। अभी शायद हम लोग मंडी में हैं, सब्जी मंडी में भी काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई है यहाँ पे। और ये सामने चर्च है, ये देखो नींबू कैसे कटोरियों में रख के बेचते हैं यहाँ पे। अभी ये मार्केट लगना स्टार्ट ही हो रहा है क्योंकि हम लोग काफ़ी जल्दी आ गए यहाँ पे। देखो खंबे को ही जैकेट पहना रखी है, सर्दी लगती है ना इसको। यहाँ पे अभी से सर्दियों के कपड़े बिकना स्टार्ट हो गए हैं, पता नहीं क्यों स्ट्रीट मार्केट लगता है यहाँ पे कपड़ों का। अभी ये रेडी कर रहे हैं इनके कपड़े उपड़े, हम लोग काफ़ी जल्दी है तो आते वक्त शायद हमको दिख जाए पूरा प्रॉपर मार्केट। सो गाइस ये आ गया है श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, और ये देखो कितनी मस्त सी रोड आई है, कितनी मस्त सी बिल्डिंग आई है यहाँ पे, बस इसी के तो फैन है गाइस हम यहाँ पे, मतलब इतनी टेक्नोलॉजी आगे है ना यहाँ पे हर चीज़ में। ये देखो कितना प्यारा रोड है, देखो एकदम साफ सफाई, देखो साइडों में बिल्कुल भी गंदगी नहीं है बिल्कुल भी। बस बैंगलोर में यही चीज़ तो अच्छी लगती है यार, साफ सफाई एकदम। वो शिवाजी नगर बस स्टैंड है, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि किसी और स्टेट में आके ऐसे पैदल वॉक कर रहे हैं हम लोग और एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ के एरिया को, लोकल एरिया को देख के। सो अभी हम रुके हैं बैंगलोर का
गन्ने का जूस पीने के लिए। छिले अच्छा इनके ऊपर का छिला हुआ है इसलिए अलग टाइप का लग रहा है। सो दिस इज बैंगलोर का गन्ने का जूस। अभी हमने चाय पी है और अभी हम गन्ने का जूस पी रहे हैं। ट्राई करना तो बनता है, इतना दूर आए हैं। लो भैया सो भी आए हैं एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर किया है पुड़ी, यहाँ पे पुड़ी बोलते हैं और सब्जी पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पुड़ी 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 सागू चटनी, पुड़ी सागू और चटनी है कुछ। दिखाते हैं कैसा है। तो यहाँ से सब्जी डल रही है। ओ सांगू साबू सागू ओके सागू बोलते हैं इसको। तो गाइज ये है सुबह सुबह का नाश्ता बेंगलोर में हमारा, जो कि है पुड़ी चटनी और सागू। तो देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, टेस्टी भी लग रहा है। सो अभी हम लोग बैठे हैं मोस्ट होली प्लेस में, यानी कि चर्च के अंदर। ये है एसटी पॉल्स चर्च जो कि शिवाजी नगर में ही है। काफ़ी ब्यूटीफुल है, बहुत शांति है यहाँ पे। एंड दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ऐसे चेयर्स लगी हुई हैं उन पे बैठे हुए। इधर ये भाई हैं जो हरियाणा से आए हैं और ये भाई हैं जो हरियाणा से आए हैं और उधर अभी बैठा हुआ है। सो मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, वैसे अलाउ नहीं है बट मैं शूट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को दिखाना भी ज़रूरी है कहाँ है कहाँ नहीं है। ये देखो कुछ इस टाइप का चर्च है। सो चर्च में हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया और काफ़ी शांति है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगा, एकदम पॉजिटिव वाइब्स आई। और देखो कितना प्यारा बना हुआ है। तो चलो अब चलते हैं वापस होटल, भविष्य देखेंगे आंटी हम। इसमें क्या है, दो तीस दिखाएगा खाना को कपड़ा को नहीं दिखा का भैया, आदमी लोग का नजर बहुत है ऊपर। सो गाइस ये था जो आंटी ने हमारा भविष्य बताया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। क्या नाम है आंटी आपका? लक्ष्मा। ओके ये देखो अब पूरा मार्केट जो है फुल्ली मतलब लग चुका है। देखो हम लोग गए थे तब ये लोग लगा ही रहे थे। और ये बगल में ही चर्च है सामने। एक्चुअली मेरे GoPro की बैटरी ख़त्म हो गई तो फ़ोन से ही ब्लॉग कर रहा हूँ, होटल जाके बैटरी चेंज करूँगा। और ये देखो सो ये रूसल मार्केट है जहाँ पे फ्रूट्स वगैरह मिल रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट है ये, कितने का है भैया? 250 का, 250 का तीन पीस है। ये आ गया फ्लावर्स मार्केट। सब्जियों की स्मेल आ रही है यहाँ पे यार गंदी। यहाँ पे केले भी, गुच्छा है ना केले का उस सही थी बेचते हैं यहाँ पे। देखो और किस टाइप के केले हैं, ये कौन से केले हैं? लाल केला है, ये लाल केले का। अच्छा मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है लाल केला। देखो ये छोटे केले भी हैं, छोटे केले में येलो केले और बड़े केले देखो कितने बड़े बड़े हैं लिटरली यार। सो फाइनली ऑर्डर आ गया है हमारा। एक्चुअली हमने बर्गर किंग से ऑर्डर कर लिया आज क्योंकि मॉर्निंग में वो खा के आ गए थे पुड़ी और वो क्या था सागू पुड़ी और सागू खा के आ गए थे। सो अभी बाहर जा नहीं सकते थे क्योंकि मेरी एडिटिंग चल रही है अब यहाँ पे, रात को नींद आ गई थी तो एडिट कर नहीं पाया था, तो इसीलिए यहीं पर मंगवा लिया। तो चलो खाते हैं। तो मैंने ये चार ऑर्डर किए हैं बर्गर। सो अभी बर्गर तो खा लिया है, मस्त पेट भर गया भाई साहब, शाम तक का जुगाड़ तो हो गया हमारा। तो अब मैं अपनी एडिटिंग कंटिन्यू रखता हूँ और होते ही फिर चलते हैं बाहर वापस। सो गाइस अभी का सीन ये है, 4:30 बज गए और मैं अभी जस्ट होटल से बाहर आया ही था। एंड होटल से बाहर निकलते ही मेरे को दिखे ये अंकल जी जो कि बेच रहे हैं कटहल के बीज पके हुए जो कि हमने लास्ट ईयर खाए थे। एंड मेरे को तो अच्छे नहीं लगे, भैया को विनी को अभिषेक को इनको अच्छे लगे थे काफ़ी। मैं अभी वापस ट्राई करने की सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट ईयर जब ट्राई किए थे तो मेरे को अच्छे नहीं लगे। एंड अभिषेक अभी सो रहे हैं तो उनको लेके आया नहीं मैं, 20 के चाह रहे हैं। चलो लेते हैं, मेरे को दो ही दे दो बस। तो ये देखो इस बीज निकाल दिया इनमें से और ये ऊपर का बीज का गत्ता है। टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। मीठा है बहुत यार, ये तो बहुत मीठा है यार, आज पिछली बार इतना अच्छा नहीं लगा था जितना अब लग रहा है मेरे को। सो गाइस अभी शाम के बज गए हैं 5 और मैं जा रहा हूँ विश्वेश वारिया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम जो कि हमारे होटल से 2 किलोमीटर है। और मेरे को तो यहाँ पैदल ट्रैवल करने में ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मैं कोई ऑटो वगैरह बस वगैरह कुछ नहीं, बस 2 किलोमीटर तो पैदल ही चल लूँगा मैं। फिर से उसी रास्ते से जा रहा हूँ जिस रास्ते से
सुबह गया था, वो जो कटहल के बीज थे वो खाए, काफ़ी मीठे थे, एकदम फ्रूट की तरह लग रहे थे किसी। 6 बजे तक म्यूज़ियम खुला रहता है और मैं जा रहा हूँ 5 बजे, मतलब मेरे पास आधा घंटा रहेगा म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने का। एंड मैंने फ़ोटोज़ देखी है गूगल पे, काफ़ी मस्त मस्त चीज़ें हैं वहाँ पे। तो चलो चलते हैं फटाफट और डायरेक्ट मिलता हूँ मैं आपसे वहीं पे, या कुछ अच्छा दिखेगा रास्ते में तो दिखाता हूँ आपको। सो अभी पहुँच गया हूँ सेंट्रल स्ट्रीट पे और देखो कितना मस्त है यहाँ का। इधर सीधा जाना है मेरे को, अब मेरे को ये नहीं पता रोड कब क्रॉस करनी है। यहाँ पे ट्रैफिक नियमों के अनुसार चलना पड़ता है भाई, ये नहीं कि आप कभी भी रोड क्रॉस कर रहे हो, कैसे भी रोड क्रॉस कर रहे हो, क्योंकि सब लोग यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स मानते हैं 100%। अब देखो वो ट्रैफिक पूरा रुका हुआ है लिटरली, एक भी ऐसा नहीं है रेड लाइट ब्रेक करके आ रहा हो वहाँ से कोई भी। तो अभी मेरे को यहाँ बीच रोड में वेट करना है, जब ये ग्रीन होगी रेड होगी तब मेरे को जाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे चलना पड़ता है, आपका मन के अनुसार आप नहीं चल सकते हो यहाँ पे, कि आपका जब मन कर रहा है आपने जब ही रोड क्रॉस कर ली। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस वाला खड़ा है तभी लोग बाग ट्रैफिक रूल्स को मान रहे हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक रूल्स को मानते हैं, चाहे पुलिस वाला है तो नहीं है तो। तो ये सीन है बेंगलोर का, ये चीज़ मेरे को यहाँ की काफ़ी अच्छी लगी। तो अभी आ गया हूँ महात्मा गांधी रोड पे और यहाँ से मेरे को जाना है उधर सामने। तो मैं सामने से इधर आया हूँ जब इधर की रेड लाइट हो गई है, एंड अभी इधर की रेड लाइट है तो फटाफट निकल लेता हूँ सामने। देखो सब लोग खड़े हुए हैं बिल्कुल रूल्स के हिसाब से, बिल्कुल ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पीछे भाई। मतलब यहाँ आके मेरे को पता चला कि हमको तो रोड क्रॉस करना भी नहीं आता रूल्स के अकॉर्डिंग। बताओ यार, हम लोग तो ऐसे ही क्रॉस कर लेते थे। अभी मैं वहाँ खड़ा था, मेरे को लिटरली पता ही नहीं चल रहा था मैं कहाँ से क्रॉस करूँ इस रोड को। भाई साहब, मेरे को अभी रियलाइज़ हुआ यार, मेरे को तो रोड क्रॉस करना ही नहीं आता रूल्स के अकॉर्डिंग। स्ट्रेंज यार, मतलब अभी भी मेरे को पता नहीं है मैंने रोड ठीक से क्रॉस करी है कि नहीं करी है। तो मैं फिर से वैसे वाले चौराहे पे आ गया हूँ, पर अब मेरे को ये समझ में आ रहा है यहाँ से कैसे क्रॉस करूँ मैं रोड। देखो इतना बड़ा चौराया है ये, अब मेरे को जाना है सामने। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा सामने कैसे जाऊँ अब मैं, शायद पहले ये वाला स्टॉप होगा फिर मैं सामने जाऊँगा, शायद ऐसे करना पड़ेगा। चलो देखते हैं कैसे क्रॉस कर पाते हैं रोड, आता तो है नहीं रूल्स के अकॉर्डिंग क्रॉस करना रोड, अभी सीखा ही नहीं किसी ने, सिखाया ही नहीं यार। अब मैं वेट कर रहा हूँ सामने वाले ट्रैफिक का रुकने का। ओके रुक गया है, चलो फटाफट चलो 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 भागो 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 भागो, कभी भी किधर से भी आ सकते हैं पता तो है नहीं। ओके ये वाला ट्रैफिक भी रुका हुआ है अभी, तो निकल लेते हैं सुमड़ी में। तो मैं पहुँच गया हूँ पैदल चलता चलता, यहाँ से भी 400 मीटर दिखा रहा है यार, कैसे दिखा रहा है जहाँ पूछना पड़ेगा किसी से। ओके सो मैंने अभी गार्ड से पूछा, म्यूज़ियम का रास्ता उस साइड से है, ये क्यूबॉन पार्क का रास्ता है ये वाला, तो अब उस साइड से जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं, बाकी यहाँ पे काफ़ी भीड़ है क्योंकि ये पार्क है ना, तो लोग बाग आते होंगे शायद इवनिंग वॉक वगैरह के लिए यहाँ पे। तभी मैं देखूँ यार 400 मीटर दिखा रहा है और अभी से इतनी भीड़ स्टार्ट हो गई, मतलब भीड़ देख के समझ जाओ कि हाँ कुछ ना कुछ तो है। सो मैं आया था सामने से आया था मैं, और ये बिल्कुल अब मेरे को जाना है राइट, इस साइड जाना है। तो ये है कस्तूरबा रोड पे म्यूज़ियम, यहाँ पे ये अच्छा है यार, हर रोड का साइन लिखा हुआ है। ये बिल्डिंग देखो यार कितनी शानदार लग रही है। ओके तो हम पहुँच चुके हैं भाई साहब, कितना बड़ा यहाँ पे क्या खड़ा है देखो यार, भाई साहब इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी। ये देखो गाइस एरोप्लेन खड़ा है पूरा यहाँ पे लिटरली यार। इसका गेट कहाँ से है, ये एंट्री पूछनी पड़ेगी किधर से है। तो इसके अंदर गाइस ये सब है, देखो ग्राउंड फ्लोर पे इंजन हॉल और डायनासोर एनक्लेव है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, इसका नाम है आप लोग पढ़ लेना, मेरे से तो ढंग से नाम लिया ही नहीं जा रहा इसका, शायद पानी आता होगा इससे ऊपर, हाँ थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। वाह यार मस्त चीज़ है, ऐसी चीज़ें देखने में लेके गाइज अंदर। चलो चलते हैं अब देखते हैं कैमरा अलाउ है कि नहीं अंदर। सो गाइज बैड न्यूज़, इसको विजिट करने के लिए पूरे 2 घंटे चाहिए, एंड वी हैव ओनली हाफ एन आवर विच इज़ टू शॉर्ट। मैं सोच रहा हूँ कल विजिट करने की इसको, क्योंकि आराम से ही दिखाऊँगा हर चीज़ आपको। सॉरी गाइज आज मैं नहीं दिखा पाऊँगा। आपका नाम? मैं हैदराबाद। हैदराबाद से। माय चैनल नेम इज विकास मगध व्लॉग्स। ओके आप ट्रैवल करते हो? यस। मैंने टिकट के लिए काउंटर पे गया था, एंड वहाँ मैंने अपना फ़ोन और कैमरा दोनों रख दिया था, तो मैंने वहाँ से मेरा कैमरा ऑटो उठा लिया, फ़ोन मेरा वहीं छोड़ दिया। तो वो जो बच्चा मुझसे पूछ रहा था ना मेरे चैनल के बारे में, तो मैंने उसको दिखाने के लिए अपनी जेब में देखा मेरा फ़ोन कहाँ है। भाई साहब मैंने देखा मेरा फ़ोन कहाँ रख दिया मैंने, फिर एकदम से याद आया मेरे को, मैंने यार वहीं छोड़ दिया टिकट काउंटर पे ही। एक बार मैं पहले पूछ लेता हूँ
अंदर कैमरा अलाउ है ना, पता चले कल तक का वेट भी किया और कैमरा भी अलाउ नहीं है, सारी मेहनत चौपट हो जाएगी ना। ओके, गुड न्यूज़ गाइस, कैमरा अलाउ है अंदर, मैंने भी पूछ लिया है। सो कल आपको मैं बहुत अच्छे से दिखाऊंगा, हर चीज़ दिखाऊंगा एक एक अच्छी तरीके से। एंड यहाँ पे ये लाल लाल क्या है इसको देखते हैं। और ये देखो छोटा सा इंजन गाइस, ये देखो पुराने ज़माने की तोप सिस्टम, ये रेड रेड पता नहीं क्या है यार, इसके बारे में पूछना पड़ेगा। सो गाइस ये भी म्यूज़ियम है, बट ये 5 बजे ही क्लोज हो गया, तो ये दोनों म्यूज़ियम आप लोग देखना कल वाले व्लॉग में, काफ़ी मज़ा आने वाला है। यहीं से ही एंट्रेंस है इसकी, बाकी बहुत प्यारी लग रही है यार, पूरी रेड है ये। सो गाइस यहाँ पे वेंकटप्पा आर्ट गैलरी भी है, तो ये तीनों चीज़ें कल विजिट करेंगे एक साथ के। सो मैं अभी आया हूँ उस रेड म्यूज़ियम के पीछे, एंड यहाँ पे काफ़ी सारी बहुत पुरानी मूर्तियाँ रखी हुई है। देखो इस पत्थर टाइप में रखी हुई है मूर्तियाँ हैं, ये इतनी प्यारी मूर्ति है यार, इसकी डिटेलिंग देखो आप। एंड वो सामने जो गार्डन है इसके अंदर भी काफ़ी सारी है, देखो ये पूरा गार्डन ये सारी पुरानी टाइप की मूर्तियों का ही है, इस टाइप की मूर्तियाँ रखी हुई है यहाँ पे। ये गणेश जी की है जिनका दांत टूटा हुआ है, देखो इनका पैर टूटा हुआ है एक। सो ये कुछ मूर्तियाँ थी, सामने है कोई पार्क, क्यूबॉन पार्क है ये, चलो इसमें चलते हैं। सो ये है क्यूबॉन पार्क, चलो इसको देखते हैं। तो गाइस बहुत बड़ा गार्डन है यार, ये तो बहुत ही बड़ा गार्डन है यार, इसको घूमने में तो मेरे को 2 घंटे लग जाएंगे। चलो इस साइड से एंटर करते हैं, थोड़ा बहुत देख के आते हैं। सो देखो यहाँ पे बैंड स्टैंड है, सेंट्रल लाइब्रेरी, तो ये आप लोग रोक के पढ़ लेना जो। बाकी ये देखो ये चलने का, यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं काफ़ी सारे। सो घूमता घूमता पता है कहाँ पहुँच गया हूँ मैं, क्यूबॉन पार्क में। ये देखो हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, मस्त लग रहा है यार एकदम रेड रेड। सो मैं यहाँ पहुँच गया घूमते घूमते, चलते हैं वापस, टाइम हो गया 6 बज गए। बाकी यहाँ पे पेड़ और गार्डन के अलावा कुछ भी नहीं है। सो अभी पहुँच गया हूँ अटल बिहारी मेडिकल इंस्टीट्यूट के बाहर और वापस जा रहा हूँ होटल। स्विमिंग में तो काफ़ी चहल पहल है गाइस, देखो ये वही रोड है जो मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाया था। इस मार्केट से मैं 3rd time गुजर रहा हूँ, देख लो ये वो चर्च कितना सुंदर लग रहा है देखो। सो गाइस फ्रंट से देखो कितना प्यारा लग रहा है ये चर्च। इसका व्लॉग मैं आप लोगों को कल देने की कोशिश करूँगा पूरा। सो अभी का सीन ये है, होटल तो वापस आ गया हूँ एंड अभिषेक सो लिए हैं तब तक, तो अब हम लोग जा रहे हैं बाहर कुछ खाने के लिए। इसके बाद का व्लॉग आप लोग देखना कल, एंड क्योंकि मैं अभी जाने वाला हूँ MG रोड और कमर्शियल स्ट्रीट विजिट करने के लिए, पास में ही है वो भी। सो काफ़ी लंबा व्लॉग जाएगा, इसलिए वो व्लॉग आप देखना कल। तो आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड, होप करता हूँ आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। Sparkle light and see